जब घर पे कोई सब्जी ना हो और आपको समझ में नहीं आए कि क्या बनाएं, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की ट्रेडिशनल सब्जी, चक्के की सब्जी, या आप आटे की सब्जी बोल सकते हैं। चले फिर बनाने चले। चक्के की सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक डो बनाना पड़ेगा आटे का, जिसके लिए हमें चाहिए ये परात चाहिए। और इस कप में नाप के मैंने लिया है 4 कप आटे। इसमें नमक नहीं डालना है हमें, और मैं इसमें ली हूँ इसी कप से पानी 2 कप। इसको हम अभी पानी मिला के अच्छे एक डो बनाएंगे। ये देखिए, हमने ये आटा जो लिया था उसको अच्छी तरह हमने नीट करके रखा है। ये गेहूं का आटा है, और आप गेहूं का आटा ही लीजिएगा। ऐसे करके हमें एक इसको जैसे गूंथते हैं ना हम, उसी समय आप देखना कि बड़ा सा, कोई आपको बड़े जगह चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटे में करो। इसके ऊपर ना हम इसके पानी ऐसे फैला देंगे इसको अच्छी तरह, और हमें इसके ऊपर अच्छी तरह पानी डालनी है, जैसे ऐसे। ये ऊपर जो इसकी है ना, ऊपर के हिस्से में भी ना पानी पूरा फुल कर देनी है। ये जैसे ये पानी के अंदर ऐसे डीप होके रहेगा पानी, इसकी ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए, अभी 2 मिनट के लिए हम ऐसे रखेंगे, फिर इसको अच्छी तरह मसल मसल के धुलेंगे। ये देखिए, इसको हमने पानी में डीप करके रखा, और इसको ना ऐसे ऐसे आपको अच्छी तरह मसल मसल के धुलना है। 4-5 बार इसे ऐसे धुलना है, जिसकी इसकी जो स्टार्च है ना वो निकल जाए सारे, पूरा पानी में अच्छी तरह इसको मसल मसल के हमें धुलनी है। ये देखिए, अब मैं ना इसे एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ, फिर इसको और 3 बार धुलूंगी। और ये जो पानी आपकी बच गई है, इसको आप फेंकिएगा नहीं, ये आटे गूंदने में या सब्जी में भी आप डाल सकते हो, इसको यूज़ तो आ जाता है, इसको फेंकना नहीं है। इसको अभी चेंज करके मैं और पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, हमने फिर से ले लिया है, एक बार धुल गया है, अभी मैं इसके ऊपर और एक बार डाल रही हूँ पानी। इसको फिर से हम मसल मसल के, फिर से पहले बार की तरह हम ऐसे धुलेंगे। ऐसे हमारी 4-5 बार हो जाने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह निचोड़ के सेट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, 4-5 बार धुलने के बाद ना हमें ऐसे ही मिलेंगे, देखिए इस टाइप में। देखिए किसने जालीदार ये है ना, ये मिलेंगे। इसको हमें सब्जी बनानी है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ अभी, देखिए पानी भी आपका साफ मिलेगा आपको। पहले तो पूरी जैसे व्हाइट व्हाइट कलर में निकल रहा था ना, अब इसमें आप छन्नी से ना ऐसे रख के इसको अच्छे से ना पानी निकाल देना है। फिर इसको हम क्या करेंगे, एक अच्छे से कपड़े में, इस टाइप के कपड़े में इसको रख के अच्छी तरह हमें पानी निकाल देनी है इसकी। किसी जैसे कोई पत्थर हो, कुछ भी हो, जैसे सिलबट्टे इसके ऊपर रख के हमें इसकी थोड़ी देर, मतलब 10-15 मिनट रखना है वो सेट होने के लिए। ऐसे कपड़े में से मैंने निकाल दिया है, बाई चांस कपड़े में से आपकी ना निकले, हल्का सा पानी कपड़े में लगा के फिर निकाल लीजिएगा, और ऐसे ही निकलेंगे। और इसको मैं अभी गर्म उबलता हुआ पानी में डालूंगी, थोड़ा सा स्टीम होने के लिए। ये देखिए, पानी गर्म हो चुका है, इसमें मैंने 3 कप पानी दी हूँ कढ़ाई में, और इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आपको 15 मिनट्स आपको बॉइल्ड करनी है। आपको उबल रहा है, हम इसको ग्राइंडिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं 2 हरी मिर्च ली हूँ, थोड़ा सा अदरक ली हूँ, और 1 टमाटर छोटी ली हूँ, इसको मैं ग्राइंडिंग कर देती हूँ। ये देखिए, ग्रेवी थोड़ी अच्छी होने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ
बड़ा सा एक प्याज और थोड़ी सी क्रश करके काजू ली हूँ। ये दोनों को मैं अच्छी सी पेस्ट बनाऊँगी ग्राइंडिंग करके। ये देखिए ये हमारी अच्छी तरह बॉयल्ड हो गए हैं। इसको मैं ना कट कर रही हूँ, कट करके फिर हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए हमने ठंडे होने के लिए थोड़ा सा रख दिया था क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा था, इसको मैं कट कर रही हूँ अभी। ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। जैसे भी पीसेस आपको पसंद है उसी शेप में आप काट सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं। मैं इसमें ये जो छोटे छोटे मैंने पीसेस किया था इसको मैं अभी डीप फ्राई करूँगी। ये देखिए मैं इसे डाल दी हूँ, अभी थोड़ी देर इसको ना मैं फ्राई करूँगी फिर निकालूँगी। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं, मैं अभी इसे प्लेट में निकाल देती हूँ और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। हमने इसको तल के निकाल दिया है, अभी इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें फ्राई किया था ना इसकी वही तेल है, इसमें मैं अभी डाल रही हूँ लौंग और दो तीन लौंग और दालचीनी दो और ये तेज पत्ता। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, रेड चिल्ली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि पहले हमने ग्रीन चिल्ली दिया था ना। और इसमें मैं डाल रही हूँ टर्मरिक, हल्दी 1/2 टीस्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ अभी जो हमने टमाटर और अदरक हरी मिर्च पेस्ट बनाया था ना उसको मैं डाल रही हूँ। थोड़ा भून जाइए, फिर इसमें मैं प्याज और काजू जो हमने लिया था पेस्ट बनाया था उसको डाल रही हूँ। थोड़ा ये भूनने के बाद ना आप इसमें डालिएगा। फिर ये थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा अच्छा लगता है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। ये देखिए ये भून गया है मसाला। इसमें और मसाला या जो भी है हमें डाल रही हूँ। एक तो हमें इसमें क्रीम, अभी मैं 2 टेबलस्पून क्रीम, मलाई जो फ्रेश क्रीम होती है ना, मलाई होती है आप दूध में से निकाल के डाल सकते हैं। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ दही, और इसमें हम डालेंगे अभी कसूरी मेथी क्रश। ये देखिए कसूरी मेथी को ऐसे पाम पे रख के इसको
ऐसे घुमाते हुए क्रश करते हुए इसको डालना है। क्रश करके आप डालोगे तो उसकी खुशबू अच्छी रहती है, बहुत टाइम तक रहती है। ये मसाला अच्छी तरह भून जाएंगे। फिर हम इसमें हमारे जो पकौड़े टाइप में बने थे ना उसको डालेंगे इसमें। ये देखिए मसाला हमारी भून गई है। हम अभी इसमें ज़्यादा नहीं, 1 कप पानी में दे, आप अपने हिसाब से जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हो उसी हिसाब से इसमें पानी डालोगे। और ये ना 6-7 मिनट पकने के बाद ही हम इसमें हमारी जो चक्की है उसको डालेंगे। ये मसाला अच्छी तरह भुन गई है, अब इसमें मैं ये चक्की डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे क्योंकि हमने पहले नमक नहीं डाला था ना, तो ग्रेवी में ये चक्की अच्छी तरह जब कुक हो जाएंगे तब इसके अंदर नमक भी चला जाएगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा, इसलिए। और थोड़ी देर के बाद मैं इसे फिर उतार दूंगी। ये देखिए हमारी चक्की की सब्जी या आटे की सब्जी आप बोल सकते हैं, और ये बनके तैयार हो गए हैं। और ये जैसे आपकी चाप या पनीर इस टाइप में उसका पूरा जो पकोड़े हैं उस टाइप में लग रहा है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।